नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के पानीपत जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। दोपहर 2:30 तक 47.6% वोटिंग हुई। अब तक 217,811 लोग वोट डाल चुके हैं। बूथों पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं इसी बीच समालखा और इसराना हलकों से आचार संहिता के नियमों की अवहेलना सामने आई है। समालखा के जोराजी खालसा गांव में मतदान केंद्र के बाहर ही प्रत्याशियों के समर्थक हाथों में बैनर व चुनाव लेकर खड़े हो गए। आने वाले हर मतदाता से उनके प्रत्याशी पर वोट डालने की अपील की। वहीं इसराना में मतदान केंद्र के ऊपर ही प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर आदि चिपके हुए मिले। दोनों जगहों पर तमाम अधिकारी भी निरीक्षण कर चुके, मगर इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मचारी तैनात है। केंद्र पर सेल्फी पॉइंट आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। ग्रामीणों में सुबह से ही पहले वोट डालने की होड़ लगी हुई है। जिले में कुल 457,849 मतदाता हैं। मतलौड़ा के गांव वैसर के बूथ नंबर पर 98 पर ईवीएम खराब हुई थी, जिस वजह यहां वोटिंग कुछ देरी से शुरू हुई। मशीन को आनंद फानन में ठीक किया गया, फिर भी यहां मतदान 7:55 पर शुरू हुआ। सभी जगह पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतलौड़ा व समालखा क्षेत्र में मतदान को शांतिपूर्वक तरीके से करवाना पुलिस के लिए भी बड़ी व कड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ अधिक हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।